वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, नाइन्थ और मैट्रिक कोर्स का रिड्यूस कोर्स जो है, और उस रिड्यूस कोर्स में ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट चैप्टर है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले माशाल्लाह दो लेक्चर से हमने दो लेक्चर इस पर बनाए हैं, उसमें डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें हमने डिस्कस किए हैं, और आज भी इंशाल्लाह मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। और उन लेक्चर्स की ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अगर आप वो उनको देखना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था डायग्राम मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। आज जो हम पढ़ेंगे कि ये जो यूनिट स्केलर मल्टीप्लीकेशन होती है ये क्या होती है, या जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडिशन कब होती है मीन्स, और सब्ट्रैक्शन कब होती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इस बात को थोड़ा सा आप समझ लें और समझने की कोशिश भी करें, क्यों एडिशन कब होती है। एडिशन के लिए जरूरी है जो हमने पहले लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब कभी जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें हमें तो उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है तो वो एडिशन के लिए काबिल है और एडिशन उन मैट्रिक्स की होगी। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो बराबर नहीं है तो उन मैट्रिक्स की जो एडिशन है वो नहीं होगी। वो कैसे, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक है ए जिसका ऑर्डर है 2 बाय 3, 2 बाय 3 क्या है, मैं मुसलसल ही आपको बता रहा हूं कि ये जो पहला नंबर है ये रो को शो करता है और सेकंड नंबर कॉलम को शो करता है। एक मैट्रिक है जिसका ऑर्डर है 2 बाय 3 और बी मैट्रिक है जिसका ऑर्डर है 3 बाय 2, तो क्या इस मैट्रिक, इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन होगी? जी नहीं, एडिशन इन मैट्रिक्स की नहीं होगी। मसलन मैं यहां पर लिख रूं ए 0 1, बी 0 2, ये है हमारा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, बी 0 3, सॉरी नहीं, बी 0 3 या ए लिख लो ए 1 5 0। अब इसका जो ऑर्डर है वो है 3 बाय 2 क्या, और इसका जो ऑर्डर है वो है 2 बाय 3 मींस इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं और इस मैट्रिक में 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये एडिशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है, इनकी एडिशन नहीं होगी। एडिशन कब होगी, जब कभी भी द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स is same, then addition is possible। जब कभी भी किन जो मैट्रिक्स दिए हमें दिए हुए होंगे तो उनका ऑर्डर जब बराबर होगा तो वो मैट्रिक्स की, उन मैट्रिक्स की जो एडिशन होगी वो हम करेंगे और पॉसिबल भी होगी। वरना जब मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है ऑर्डर ही बराबर ना होंगे तो वो उनकी एडिशन जो है वो नहीं होगी। इस तरह के जो अगर मैट्रिक्स होंगे तो इनकी एडिशन नहीं होगी। अगर हमें इस तरह का मैट्रिक है 1 0 2 0, एक ए मैट्रिक है और बी मैट्रिक है 1 3 5 7, ये दो मैट्रिक्स हैं और इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि एडिशन के लिए ही स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। स्क्वायर ना भी हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो भी मैट्रिक्स हो, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो दूसरा भी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, और अगर एक स्क्वायर मैट्रिक है तो दूसरा भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो फिर उनकी एडिशन होगी। अब ए प्लस बी एडिशन किस तरह करेंगे, मैन्युअली हम पहले लिखेंगे ए, लिखा मैंने, तो ए मैट्रिक्स क्या है,
1 0 2 0। अब यहाँ पे प्लस की साइन लगेंगे, पुट करेंगे सेकंड मैट्रिक 1 3 5 और 7। अब एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन बेटा क्या करेंगे, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करेस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं, जो एक मैट्रिक के एलिमेंट की पोजीशन है दूसरे मैट्रिक के एलिमेंट की भी वही पोजीशन, मींस उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग। अब इसकी इसकी क्या पोजीशन है, इसकी पोजीशन है 1 by 1 1। अगर मैं यहाँ पे लिखूं A 1 1, यहाँ पे A 2 2, ए बल्कि ये होगा A 1 2, A 2 1 2 1 और A 2 2। इस तरह इसकी भी यही पोजीशन होगी। तो ये जो 1 और 1 ये है, ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, और ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये दोनों और ये दोनों आपस में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो एडिशन इन्हीं की होगी और हम लिखेंगे एक मैट्रिक 1 प्लस 1। अब इसमें ये ऐड होगा 0 प्लस 3, इसमें ये होगा 2 प्लस 5, 0 प्लस 7। तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 3, 2 प्लस 5 7, 0 प्लस 7 3। 0 किसी नंबर में भी ऐड करेंगे तो हमें हमारी रिजल्ट क्या आती है, वही रिजल्ट आती है जो हमारे पास गिवन नंबर होता है। तो एडिशन इस तरह की होगी। अगर मैं यहां पे लिखूं कि एक मैट्रिक है ए जिसकी वैल्यू है ए 0 0 1 और बी मैट्रिक है ए और बी, तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन होगी? जी नहीं होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2 है और इसका ऑर्डर है 2 by 1। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी मींस दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर नहीं होगा तो वो उनकी एडिशन नहीं होगी। जब ऑर्डर्स बराबर होंगे तो फिर एडिशन होगी, और एडिशन होगी कैसे, इस तरह एडिशन होगी, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम आपस में ऐड करेंगे। अगर मैं अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सी मैट्रिक है, क्या सी मैट्रिक 1 5 7 -2 और डी मैट्रिक है 5 3 4 -7। तो इनको कैसे ऐड करेंगे, हम लिखेंगे सी प्लस डी मैट्रिक बराबर, पहले सी मैट्रिक लिखेंगे 1 5 7 -2 प्लस डी मैट्रिक एलिमेंट -5 3 4 -7। तो सी प्लस डी मैट्रिक क्या बन जाएगा, 1 प्लस, हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको मजीद स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस, ये माइनस हो जाएंगे, हम कर क्या रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये जो साइन है इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगी ना, प्लस एंड माइनस, तो माइनस हो जाएगा -5 और 5 सेम, प्लस एंड प्लस प्लस, +3 7 सेम, प्लस एंड प्लस प्लस, 7 प्लस 4, -2 प्लस एंड माइनस -7। तो ये जो रिजल्ट बनेगी सी प्लस डी मैट्रिक की, वो बनेगी -4 और 5 प्लस 3 8 और 7 प्लस 4 11 और -2 -7, तो -9। अब बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होगा कि सर ये -1 -5 तो -4 कैसे लिखा है, -5 में से तो 1 जाएगा नहीं। भाई आप ऐसे लिखें कि 5 जो है वो बड़ा नंबर है, 5 को आप ग्रेटर नंबर अज्यूम करें और 1 को लेस नंबर, छोटा नंबर स्मॉल नंबर अज्यूम करें। 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अब यहाँ पे 5 की साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, तो हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, -2 और -7, ये दोनों नंबर नेगेटिव है। अगर दो नंबर नेगेटिव है तो वो नंबर उनकी एडिशन होगी, लेकिन वो माइनस ही में ही रहेंगे, -2 और -7, तो -9 बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी मैट्रिक्स की हम एडिशन करेंगे।